मैंने एक बार पहले छान लिया था, एक बार और छान लेंगे, देख सकते हो। तो गाइस हमने मैदा को भी छान लिया है और सूजी को भी हमने मिला लिया है। तब हम इसमें जो भी सामान डलता है मैं दिखाती हूँ। ये हमारे पास 50 ग्राम है अजवाइन के दाने, अजवाइन, और हम 2 चम्मच डालेंगे जीरा, और ये हमारे पास इतनी है कस्तूरी मेथी। ये अपन एक अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी अपने स्वाद के अनुसार। और इसमें हम डाल लेंगे नमक, हम 5 चम्मच नमक डालेंगे। इसमें स्मार डालेगा और सबसे मेन है अब हम इसमें जो पहले हम इसमें डाल लेते हैं, फिर इसमें डलता है नीला, जिससे हमारी जो मठड़ी होती है वो सॉफ्ट बनती है और उनका स्वाद भी दुगना हो जाता है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। देखिए इतना मेरे पास रिफाइंड है, देख सकते हो 5 गिलास से ऊपर। और हम देखेंगे कि अब इसमें कितना डलता है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ मठड़ी। इसका मेन है ऐसा करके हम पूरी मैदा और सूजी में डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटर बनती है जो कि दिखती जाती है। बारिश भी हो रही है हमारे यहाँ, और जो इतना रिफाइंड है हम उसे भी डाल भी देते हैं। गाइस हमने जो रिफाइंड था उसे अच्छे से मिला लिया है। इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कुछ लोग डालडा घी का भी इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी अपनी पसंद है, जो चॉइस है, जो जो भी खाता है। तो अब इसी रिफाइंड वाले गिलास से मैं आपको बताऊंगी कि 2 किलो सूजी में हमने कितना पानी डाला। तो ये देखिए, हम पहले 1 गिलास पानी को थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटा गूंथेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डाला जाएगा। वैसे दूसरा गिलास है जो पानी का, हम उसे भी डाल देते हैं इसमें, और फिर हमें दोनों हाथों से हम आटे को टाइट गूंथेंगे। तो वैसे हमने 2 गिलास पानी
पानी से इस तरीके से डो बना लिया है। आप देख सकते हो कि मैदे को घुट घुट के मिले, इसे हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर जो भी है मछली बनाने के प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो कि इतना सॉफ्ट हो गया ये डो। तो गाइस डो के ऊपर हमें पानी में भिगोकर रुमाल को निचोड़ कर इसके ऊपर ढक देंगे 10 मिनट के लिए, जो हमने आटा मिला था, और उतने हम रिफाइंड गर्म होने के लिए रख देंगे। बेलने मतलब क्यों लोई, और फिर हम छठी पे बेल लेंगे तो हमें ऑन करने की जरूरत है। तो इधर हमारा जो रिफाइंड है वो गर्म हो चुका है, तो हम उसमें डाल देते हैं। मैं आपको एक बार चकले पे भी बना के दिखाऊंगी। आप कैसा भी डिजाइन डाल सकते हैं इसमें। तो वैसे गोल्डन ब्राउन हो गई है, देख सकते हो आप। तो हमें उतारते हैं और इन्हें धीरे धीरे आंच पे ही पकाना है कि गैस कम हो। बोल Thank you.